आज जो बीजेपी सरकार जो चल रही है ये तीन चीज से चल रही है, एक पुलिस, ईवीएम और एक मीडिया। कोई इनके खिलाफ बोलता है तो पुलिस से पकड़वा देते, मरवा देते हैं, बंद करवा देते हैं। ये आज हमारे देश में बाबा साहब के रिश्तेदार अनिल तेलतुंबड़े को जेल में डाल रखा है। हमारे देश के इंटेलेक्चुअल कर क्या रहे हैं, देश के नेता क्या कर रहे हैं, ये उनको बताओ, जेल में डाल रखा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो बोलता है मीडिया से पकड़वा देते, मरवा देते पुलिस से। एक आह्वान पर भी हमारे देश के गरीब जनता, असहाय लोग बिल्कुल एक तैयार है लड़ने के लिए हर तरह से, लेकिन हमारे नेता कोई लीडर एक मुखिया नहीं बन रहा है। हमारे जो त्योहार होते हैं, हम जो त्योहार मनाते आ रहे हैं, उनका क्यों ना हम स्वरूप बदल दें, क्यों ना हम त्योहारों को मनाने का तरीका बदल दें। हम लोग जो त्योहार मनाने के लिए खर्चा करते हैं, वो हमारा खर्चा कहाँ जाता है? वो खर्चा जहां भी जाता है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये पता है जो आज जो देश की जो सत्ता जिनके हाथों में है और जिनको बड़ा चढ़ाकर मीडिया जो दिखा रही है, जिसको खुद देश की जो खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है, मैं उसको फेक स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ, क्योंकि वो फेक के अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। और जिसको आज जो दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के ये अवतार हैं, भगवान के ये सब कुछ हैं, तो मैं कहता हूँ मोदी का उल्टा करके देखिए आप, वो होता है डेमो। डेमो का मतलब सब कुछ फर्जी, नकली, फ्रॉड। एवरीबडी यू नो बेटर देन मी। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ये इनका देश में कभी भी कोई योगदान नहीं रहा है, देश में, देश की आज़ादी में, कभी भी कहीं भी। और ये देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, ये देश की जनता जानती है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। देश की जो आज जो बीजेपी सरकार जो चल रही है ये तीन चीज़ से चल रही है, एक पुलिस, ईवीएम और एक मीडिया। कोई इनके खिलाफ बोलता है तो पुलिस से पकड़वा देते, मरवा देते हैं, बंद करवा देते हैं। ये आज हमारे देश में बाबा साहब के रिश्तेदार अनिल तेलतुंबड़े को जेल में डाल रखा है। हमारे देश के इंटेलेक्चुअल कर क्या रहे हैं, देश के नेता क्या कर रहे हैं, ये उनको बताओ, जेल में डाल रखा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो बोलता है मीडिया से पकड़वा देते, मरवा देते पुलिस से। और कोई वोट दे या ना दे, उनके पास ईवीएम है। ये बोलते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। जो आज से जो क्या कहते हैं एरोप्लेन जो 16,000 किलोमीटर चलता है आसमान में, जब उसको रडार से नीचे से वो कंट्रोल होता है, तो ईवीएम क्या चीज़ है? आगे कुछ भी नहीं है। पुलिस, ईवीएम और एक मीडिया उनको पता ही है सारा कुछ। मीडिया बिकी हुई नहीं है, मीडिया की जाति सहमति है। ये ब्राह्मणवाद के द्वारा चल रहा है, ये मनुवाद के द्वारा, वो उनकी जाति सहमति है और बिकी हुई तो है ही है। खैर, कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो आज सिर्फ जो है, क्योंकि हम जो है महानिर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो बाबा साहब को याद करते हुए सिर्फ ये कहेंगे कि यह देश विभिन्नताओं का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और उसी के दृष्टिगत जब हम यहाँ की डेमोग्राफिक संरचना की बात करते हैं, तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुसंख्यक समाज हैं। मैं कहता हूँ कि ये बहुसंख्यक है या यह सामाजिक रूप से वंचित समाज है, यह भी विचारणीय बिंदु है। क्योंकि बहुसंख्यक के नाम पे केवल बहुसंख्यक अगर हम अपने आप को कहते हैं तो हमें फिर रोना नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग इस लड़ाई को लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं कविता के माध्यम से इन नेताओं को जागरूक करना चाहता हूं कि एक 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 आह्वान पर भी हमारे देश के गरीब जनता, असहाय लोग बिल्कुल एक तैयार है लड़ने के लिए हर तरह से, लेकिन हमारे नेता कोई लीडर एक मुखिया नहीं बन रहा है इस काम को अंजाम देने के लिए, कि हम अपने न्याय बंधुत्वता की लड़ाई कैसे लड़ें, किसकी मौजूदगी में लड़ा जाए। इसके लिए हमारे समाज के नेताओं की कमी है। हमें अपने लीडरों को तैयार करना है, नेता नहीं करना है। देखिए, मैं कविता के रूप में बताता हूँ। सूलों से तुम लड़ना सीखो, पथ पथ पर सूल बिछे हैं, सूलों से तुम लड़ना सीखो, तूफानों को वृद्ध सदा तुम सत्य की जोत जलाना सीखो। पथ पथ पर सूल बिछे हैं, सूलों से तुम लड़ना सीखो, हाथ पर हाथ धरे तुम बैठे हो,
चल तू कर तुम बैठे हो, लगता भुजपाल रूठ उठे हैं। खाई शपथ तुम झूठे हो, खाई शपथ तुम झूठे हो, लोहे पर जो जंग लगी है उसे छुटाना उसे रगड़ना अभी सीखो, पथ पथ पर सूल बिछे हैं, सूलों से तुम लड़ना सीखो। ये लड़ने की कमी है हमारे नेताओं की कमी है, हमारी किसी भी जनता की कमी नहीं है। विश्वासों के ढेरों में हुंकार भरो, कर्तव्यों के पांवों में झनकार भरो, रोक सके ना राय तुम्हारी फुनकार भरो, मनवाणी से जय 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 जयकार करो। धूसर वेदर न बनकर बैठो, उठो अभी अंधियारों से लड़ना सीखो, और पथ पथ पर सूल बिछे हैं उससे लड़ना सीखो, उससे लड़ना सीखो। पर्वत पर पर्वत पर्वत नाम फली बड़ी हुई है, वो घर घर में जाकर सत्यानाशी पड़ी हुई है। बाहर की ये सतरंगी चालें जंगी हैं, वो घर में बैठे नारे लगाते दंगी हैं। मैं नेताओं से कहना चाहता हूं कि उन सूलों से हाथ नहीं, उन सूलों से हाथ नहीं, आग जलाकर दीप से दीप जलाना सीखो। पथ पथ पर सूल बिछे हैं, सूलों से तुम लड़ना सीखो, सूलों से तुम लड़ना सीखो। आगे नहीं भरोसा औरों पर करना, रग रग में खून भरा हो अपना, सूलों को छोटा नहीं समझना, चाहे भले ही हो घर का अपना, चाहे भले ही हो घर का अपना। अत्याचारी भ्रष्टाचारी बलात्कारी इनको अभी अभी रगड़ना सीखो, पथ पथ पर सूल बिछे हैं उससे लड़ना सीखो, उससे लड़ना सीखो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवादी। हो गए कुछ ऊपर उठ गए, बाकी हम किस आने हो गए, कुछ ऊपर उठ गए, बाकी हम किस आने हो गए। इसके बाद मैं एक और चीज कहना चाहूंगा अपने समाज से कि हमारे समाज को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए कि जिससे हम अपने समाज के बच्चों का, युवाओं का, प्रतिभा का विकास कर सकें, प्रतिभा को खोज सकें। अगली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम क्यों अपना, हमारे जो त्यौहार होते हैं, हम जो त्यौहार मनाते आ रहे हैं, उनका क्यों ना हम स्वरूप बदल दें, क्यों ना हम त्यौहारों को मनाने का तरीका बदल दें। हम लोग जो त्यौहार मनाने के लिए खर्चा करते हैं, वो हमारा खर्चा कहाँ जाता है? वो खर्चा जहाँ भी जाता है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हमें त्यौहार भी बदलने चाहिए, अपने त्यौहारों का स्वरूप भी बदलना चाहिए। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा जो बाबा साहब का 14 अप्रैल जयंती मनाया जाता है, उसमें लोग जो आते हैं फूलमाला चढ़ा के और चले जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो फूलमाला के साथ साथ एक जनसभा, एक राष्ट्रीय जनसभा का आयोजन होना चाहिए, या कम से कम क्षेत्रीय जनसभा तो आयोजित होनी चाहिए ताकि हमारे दोनों काम हल हो जाए। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं दूसरे लोगों के धार्मिक प्रोग्राम हैं, हमें भी अपने संविधान पाठ आयोजित करने चाहिए। संविधान पाठ आयोजित करेंगे तो हमारे लोगों को पता लगेगा कि जो संविधान नहीं पढ़ सकते, जो नहीं पढ़ते, उनको भी पता लगेगा कि हमारा संविधान क्या है। और इसके साथ साथ मैं जल्दी अपनी बात खत्म कर दे रहा हूँ, हमारा जो ये कार्यक्रम है ये यहाँ के बाद, क्योंकि यहाँ बोलना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, हम ज़मीन पर बोलेंगे हमारी आवाज़ कम लोगों को सुनाई देगी, आसमान में गोला छूटेगा वो दूर तक सुनाई देता है, तो दिल्ली की जो आवाज़ देश में दूर दूर तक जाती है। इसके बाद हमारी आवाज़ स्टेट पर जानी चाहिए, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट में जानी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक लेवल पर जानी चाहिए, और लास्ट में हर व्यक्ति तक पहुंच जानी चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियां वो अपना प्रचार जब करती हैं तो 8 दिन में वो प्रचार, अपना प्रचार हर व्यक्ति तक पहुंचा देती हैं, तो हम क्यों ना 1 महीने या 6 महीने में अपनी बात जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
इसके बाद मैं अभी अपनी बात खत्म करने से पहले एक दो और पॉइंट है मेरे कि हमारी भी कोई ऐसी पहचान होनी चाहिए कि हम अपने घर पर एक मतलब राष्ट्रीय स्तर का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी का एक झंडा होना चाहिए, तय होना चाहिए कि हमें क्या झंडा अपने घर पर लगाना चाहिए ताकि हम भी एक दूसरे को पहचान सकें और हम भी दूसरों को अपनी पहचान दिखा सकें। तो ये कुछ मेरे सुझाव थे, इन्हीं सुझाव के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।